शुजालपुर रोड बंद, अरनिया कला नेशनल हाईवे पर फैला धार्मिक उन्माद, मूर्ति खंडित होने को लेकर ग्रामीणों ने लगाया शुजालपुर आश्रम नेशनल हाईवे पर जाम। गांव वालों ने किया नेशनल हाईवे 752 को जाम। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार अहिरवार और चौकी प्रभारी, पुलिस बल मौके पर तैनात। देवी प्रतिमा को खंडित करने का अज्ञात आरोपी पर आरोप, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तारी की कर रहे ग्रामीण मांग। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। मौके पर SDM प्रकाश कस्बे और तहसीलदार राजा राम प्रजरे मौजूद थे। शुजालपुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। 7 बजे हम जब पूजन करने के लिए आए तो मनो और सोनानिया सबसे पहले अगरबत्ती लगाने 7 बजे आया। मैं पूजन कर रहा था, जैसे आया एकदम वो घबरा गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव ये क्या हुआ, मैं क्या हो गया, बोले आप अंदर बाहर आओ। मैं जैसे बाहर आया तो मूर्तियां जो है, जो हाथ उन थे, ये सब क्षत विक्षित पड़े हुए थे। हमने कहा भाई ये तो बहुत गलत हुआ। हमने उसी समय सरपंच साहब को अवगत कराया। सरपंच साहब हमारे साथ गए, दुर्गा प्रसाद जी और बाकी समिति के अध्यक्ष वगैरह सभी साथ गए। चौकी पर जाके हमने पहले अवगत कराया कि ऐसा ऐसा हुआ है। चौकी के सब लोग आए और आकर के मौका मुआयना देगा। जैसे ही यह अफवाह सब दूर फैल गई कि भाई आप हमारी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की है, समस्त क्षेत्र आसपास के लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हो गए और उपस्थित होकर के कहा कि भाई जब तक इस मूर्ति के बारे में और जो अपराधी को नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक हम यहाँ से चक्का जाम नहीं करेंगे। जो भी अधिकारी SDSM वगैरह जो आए, पुलिस अधिकारी जो आए, उन्होंने ये कहा है कि भाई हमें 24 घंटे का समय कम से कम चाहिए, और 24 घंटे का समय नहीं मिलता है तो हम फिर पूरा क्षेत्र जो है आसपास अरना कला क्षेत्र से जो लगा हुआ है, सब लोग एकत्रित होकर के और पुनः चक्का जाम करेंगे। ये व्यवस्था प्रशासन की फिर रहेगी। SDM साहब के बात से संतुष्ट है आप? हाँ, अभी वर्तमान में तो हम संतुष्ट हैं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया अधिकारी ने, तो हमको मानना तो पड़ेगा, क्योंकि कानून हम भी अब कोई भी हाथ में नहीं ले सकता है। तो अगर अधिकारी आकर बोलता है तो हम बराबर उसका पालन करेंगे। और उसके बाद ये भी उनसे कहा कि अगर नहीं होता है तो हम फिर निश्चित है कि सभी क्षेत्रवासी इकट्ठा होकर के चक्का जाम करेंगे। कितने दिन का आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने देखो 48 घंटे का दिया है आश्वासन कि हम इतना तो टाइम लग जाएगा हमें, और सहयोग मांगा कि भाई सब सहयोग भी अपन एक दूसरे का करेंगे तो निश्चित है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसमें मैं भी सभी लोगों के साथ सहमत हूँ। और ये जो घटना है, उसके जो करने वाले जो ये लोग, उनके खिलाफ़ कार्रवाई 24 घंटे के अंदर पुलिस भी करने के लिए तैयार है। ठीक, और हो जाएगी। जब यहाँ से तुम छोड़ोगे, जब भी तो होगी कार्रवाई।